हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस टेक। आज हम बात करने वाले हैं कि लैपटॉप या पीसी के अंदर आपको जो भी रियल टेक ब्लूटूथ या किसी भी अदर ब्लूटूथ का आपको एरर शो कर रहा है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। अगर ब्लूटूथ के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम फिक्स करनी है तो इस वीडियो को आप स्टेप बाई स्टेप जरूर फॉलो करें, आपकी जो भी ब्लूटूथ की सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हो फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताते हो कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। गूगल क्रोम को ओपन करना है अपने जो भी पीसी के अंदर, ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो या मोजिला हो, कुछ भी हो, तो उसको हम एक बार सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में हमें अपग्रेड टू एक जो विंडोज 10 की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी माइक्रोसॉफ्ट की, उसको हमें डालना है कि यहाँ पे लिखना है अपग्रेड टू ए न्यू वर्जन ऑफ विंडोज 10 रियल टेक ब्लूटूथ रिड्यूस, वो टाइप करना है। अगर आपको टाइप नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक नीचे दे दूंगा, यहाँ से जाके आप इसे सिंपली एक्सेस कर सकते हो या डायरेक्ट इस लिंक्स पे जा सकते हो। तो एक बार इसे रीलोड कर लेना अगर ये ओपन ना हो तो। माइक्रोसॉफ्ट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऊपर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने यहाँ पे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं कई बार कि अदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कोई ड्राइवर है उसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं फिर वर्क नहीं करता है। तो सबसे पहले इसे अनइंस्टॉल कर ले बलतूत को, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल है इसे अपडेट करें। ठीक है, अब क्या करना है, अपडेट टू ए न्यू वर्जन ऑफ विंडोज 10 ऑन डिवाइस विथ सेम ड्राइवर वर्जन 4 रियल टेक ब्लूटूथ, यह टाइप करना है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले इसे पॉपअप को क्लियर कर लेते हैं, नोटिफिकेशन को नीचे चलना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम दिक्कत आ रही है हमारे, व्हाट नीड यू अटेंशन रियल टेक ब्लूटूथ की आ रही है, रियल टेक ब्लूटूथ की हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या करते हैं, ड्राइवर फर्स्ट एंड सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे ये दे रखा है, तो ड्राइवर फर्स्ट इंस्टॉल करते हैं। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ, एक बार इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद में हमें ड्राइवर सेकंड को एक बार ट्राई करते हैं। ड्राइवर सेकंड को हम एक बार ट्राई करने के बाद में ये भी नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपली एक बार कुकीज़ जो होती है उसको क्लियर करनी है। कुकीज़ को एक बार हम रिमूव कर लेते हैं, एक रिमूव हो गई है तो रिमूव पर बटन पर क्लिक करते जाना है और डन कर लेना है। एक बार फिर देखते हैं, फिर भी नहीं हो रही है तो हमें वापस एक बार कुकीज़ को, कोई रह गई हो या कोई बाकी रह गई हो तो उसे कर लेते हैं। ये कुकीज़ में जाके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, ब्लॉक तो नहीं रखी है माइक्रोसॉफ्ट, एक बार देख लेना अगर ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक कर दें। तो सिंपली कई बार तो ये डाउनलोड हो जाता है, कई बार ये यहाँ पे नहीं होता है क्रोम में। तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो होगा नहीं, तो जो हमारे पास ऑफिशियल वेक्स में यहाँ पे कंट्रोल ऑल करना है, ध्यान करना है यहाँ पे कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल सी करना है। फिर हमारे जो विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है जैसे हमारे यहाँ पे है, ये विंडोज़ का खुद का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद में सर्च में जाके कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, कंट्रोल वी करने के बाद यानी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में ये सेम यहाँ पे चालू हो जाएगा विंडोज़। ठीक है, तो क्या करना है, मैं यहाँ पे डाउनलोड पे ड्राइवर फर्स्ट डाउनलोड पे स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे हो रहा है तो थोड़ा नेट का इश्यू है मेरे यहाँ, तो आपके भी अगर फास्ट है तो यहाँ पे फास्टली वर्क करेगा। तो नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद में सेम प्रोसेस है, सेम साइड है जो क्रोम में थी वो यहाँ पे है। तो ड्राइवर फास्ट इसमें दे रखा है, यहाँ पे डाउनलोड करना है। मेरा नेट का थोड़ा इश्यू है तो इस वजह से ये डाउनलोड होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो गया, एक बार इसमें भी एरर आपको शो करेगा। ठीक है, एक बार इसमें भी आपका एरर शो करेगा। रीज़न ये है कि ये फाइल है वो ना जी फाइल है और ना कोई सॉफ्टवेयर है, इसलिए तो हमें कीप पे जाना है, राइट क्लिक करके कीप एनीवे कर लेना है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया हमारा। डाउनलोड होने के बाद में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है यहाँ पे और इसको फाइल को ओपन करना है। ये जो ओपन फाइल दे रखा है उस पर क्लिक करना है। ओपन फाइल पर करते ही हमारे सामने ये फाइलें दिख जाएगी। तो इन फाइलों को क्या करना है, कंट्रोल सी यानी कॉपी करनी है। इन फाइल को कॉपी करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ या कंट्रोल सी से कॉपी कर लेनी है हमने। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद में एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। ध्यान रखना, नया फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे, कि एक पर्टिकुलर खुद का इसका फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं इसका नाम दे रखा हूँ RTB, इसका नाम RTB रख देते हैं। और क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, यानी हमें क्या करना है, कंट्रोल वी का मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में जो हमारी जो कॉपी थी फाइलें वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये
जो हमने वहाँ पे कॉपी कर रखी थी फाइलें उस सॉफ्टवेयर में थी, उस फाइल में थी, वो जो फाइल नहीं है वहाँ से कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें कॉपी कर लेनी है एक बार। इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद में सिंपली हमें क्या करना है, एक बार रिफ्रेश मार देना है इसको। फिर क्या करना है, दिस पीसी के अंदर जाना है, दिस पीसी में मैनेज पे जाना है। ध्यान रखना, हर बार गलती यहाँ पे कर लेते हो कि बार बार क्या है कि आप एक जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है उसे आप पहले इंस्टॉल कर लेते हो फिर ये अपडेट पे जाते हो, तो ये नहीं होगा। मैंने इस पर दो या तीन वीडियो बना चुका हूँ मैं इसलिए। तो थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशन है बल्टूथ रियल्टेक का, वो आपको अनइंस्टॉल करनी है। अनइंस्टॉल करने के बाद में हमें दिस पीसी पे जाके मैनेज पे जाना है। मेरा यहाँ पे सिस्टम थोड़ा स्लो है क्योंकि मैंने कल ही अपग्रेड किया था विंडोज़ 10 से 11 के अंदर, इससे बेटर विंडोज़ 10 चलता है, तो मैं भी स्विच करने की सोच रहा हूँ वापस। तो इसमें क्या करना है, डिवाइस मैनेजर पे जाना है। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद में यहाँ पे आपका ब्लूटूथ का शो करेगा खुद का, थोड़ा स्लो चल रहा है ये। तो यहाँ पे क्या करना है, ब्लूटूथ का यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसका राइट क्लिक करके यहाँ पे रियल्टेक ब्लूटूथ 4.0 अडैप्टर आ रहा है, तो आप घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 0.1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, आपका अपडेट सेम है, विंडोज़ में दे रखा है, वही इंस्टॉल करना है आपको। यहाँ पे हमें निचला वाला ऑप्शन शो करना है, यानी ब्राउज़र फॉर ड्राइवर ये वाला। तो हम क्या कर लेते हैं, ब्राउज़र पर जाएंगे, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स में वो याद रखे, डॉक्यूमेंट्स में हमने वो फाइल फोल्डर यानी क्रिएट किया था RTB नाम से, ये रहा RTB। नीचे फोल्डर के अंदर आपको शो कर देगा RTB, नीचे देखो फोल्डर के अंदर यहाँ पे शो कर रहा है RTB। अगर अदर फोल्डर चूज़ कर रहे हो तो इसे अपडेट नहीं होगा, आप देख लेना यहाँ पे नाम आए तो ही ओके करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉलेड, ये आपका बताएगा। अगर नहीं होगा तो भी बताएगा, होगा तो भी बताएगा, दोनों में बताएगा। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है क्योंकि विंडोज़ ने खुद ने ये प्रॉब्लम